पता लग गया कि ये असली वजूद साडा रुखी सुखी बंदे ओदी हुण रजा विच खाणगे हौसला ना छड़ी हौसला ना छड़ी दिन फिर मुड़े आणगे। बेसिकली मैं ये मानता हूं कि लाइफ में वक्त की खूबसूरती है ये रुकता नहीं है। हां जी जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका इन योर फेवरेट व्लॉग बजूका वर्ल्ड। और बेसिकली यार अभी थोड़े दिन में ना मैं एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म बनाई है, वो शॉर्ट फिल्म आने वाली है। किसके बारे में और कैसी है वो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, थोड़ा सा शूट बचा है वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। आज भैया आज का शेड्यूल क्या है कि आज 1 बजे कॉल है, फिर उसके बाद बेबे की किचन में छोटी सी रेसिपी बनानी है मम्मी के साथ, और फिर भैया शाम को भी 1-2 कॉल्स हैं विद सम सेलिब्रिटीज। कौन से सेलिब्रिटीज हैं वो आने वाले दिनों में आपको पता लग ही जाएगा। लेकिन भैया अभी फिलहाल क्या करेंगे, शुरू करेंगे अपना ये सफर। गाड़ी गंदी हो चुकी है, थोड़ा बहुत साफ किया था, और आज आप सोच रहे होंगे भैया ये कहाँ निकल चला है लॉकडाउन में। तो बात ऐसी है, हम घर पे बैठे हुए थे और घर पे सैनिटाइजर ख़त्म हो गया, कुछ मेडिसिन ख़त्म हो चुकी है मॉल की, तो वही लेने के लिए जा रहा हूँ मार्केट में, थोड़ी सी देख रहा हूँ साथ में सड़कें कैसी हैं। और सड़कें बिल्कुल खाली हैं, देखो आप जैसा देख पा रहे हो तो ज़्यादातर लोग नहीं हैं यहाँ पर, बहुत कम लोग हैं और बैरिकेड्स लगे हैं जगह जगह। तो दिस इज़ VIP रोड जो किसी टाइम जेट पैक्ड रहती थी, मतलब भरी भरी रहती थी, और वो रोड आज खाली पड़ी है इस टाइम। और भैया आ गया हूँ यार वापस मार्केट से, और थोड़ी 5 मिनट गया था, 5 मिनट में वापस आ गया। अब बात ऐसी है कि मैं यहाँ पर जीरकपुर में बैठा हूँ और कोई बैठा है जी मुंबई में, कौन है जी, मेरे फेवरेट मस्ती साहब यानी कि अशोक मस्ती। तो बस आप उनको कॉल लगा देते हैं, मिल लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं, और आज बड़ी मस्त मस्त बातें होने वाली है। तो मस्ती साहब अंदर आने वाले हैं यानी वेब पे, सबको अपनी आवाज़ से नचा देते हैं, मेरे साथ वेब पे जुड़े हैं, हालांकि हम हमेशा फिजिकली मिलते हैं, आज वेब पे मिल रहे हैं फर्स्ट टाइम। परी इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, परी कैसा लग रहा है आपको अशोक मस्ती साहब? अभी पहले तो सभी मनीष के साथ जुड़े जितने भी दर्शक हैं इसके चैनल के साथ, और इसके मित्र भाई बंधु जितने भी हैं उनको सबको मेरी तरफ से सलाम सत श्री अकाल नमस्कार। अब तो अच्छा ही लग रहा है, बिकॉज अब ये मान लीजिए कि जब से लॉकडाउन है तब से यही चल रहा है। ये समय बड़ा कुछ सिखा के जाने वाला है कि हमें बहुत सारी चीजों के बिना भी हम जिंदगी में रह सकते हैं। मेरे को लगता है कि जो पहले हमें लगता था कि हाँ फिजिकली ही इंटरव्यू हो सकता है या फिजिकली ही बात हो सकती है या फिजिकली ही इंटरेक्शन हो सकती है, पर वो जो बाउंड्री थी ना वो क्रॉस कर दी है इस लॉकडाउन ने। हाँ बिल्कुल, ये टेक्नोलॉजी तो हमारे पास बड़े सालों से थी, लेकिन वही बात है कभी इसका एक्चुअल यूज करने का मौका नहीं मिला था। मोस्टली स्टार्स को आप स्काइप से या इससे इंटरव्यू करके काम चला लिया करेंगे, आज अब तो फिल्म भी प्रमोट स्टार्स ऐसे ही किया करेंगे। मैंने सुना कि आप बॉम्बे में फंस गए। हाँ बॉम्बे में हूँ मैं, पिछले 40 दिन से यहीं पे हूँ मैं, 15-16 को आ गया था, ऑलमोस्ट 35-40 दिन हो गए हैं। तो बस हैं तो हैं, अब सबके साथ है, दुनिया के साथ, अब प्रधानमंत्री जी ने जो ऑर्डर किया तो उसको तो पालन हमने करना ही है। बॉम्बे का हाल मैंने सुना काफी खराब है, तो आप बेसिकली मार्केट का रुख किया आपने, बाहर जाके देखा क्या माहौल है इस टाइम? ना बिल्कुल भी नहीं, मैं जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है एक बार भी हमने लिफ्ट का बटन भी नहीं पुश किया कि हमने जाके नीचे, हाँ मैं गया नहीं, नीचे नहीं गया, मैं घर पे ही हूँ। मेरा शेड्यूल ये होता है कि उठते ही सबसे पहले चाय वाय पी के फ्रेश होके उसके बाद मैं रियाज पे बैठता हूँ, तो 2 से 2.5 घंटे आराम से, क्योंकि इतना वक्त पहले मिलता नहीं था रियाज के लिए, तो वो रियाज कर लेते हैं वॉइस का, फिर ओम को ओम को एंजॉय करते हैं ताकि 40-45 मिनट की चैंट जो है वो की जाए, और उससे क्या है कि आप मेंटली स्ट्रांग रहते हैं और आपको लगता है कि आप कुछ अच्छा भी कर रहे हैं, अपने आप से भी बात कर रहे हैं। फिर पास करने के बाद दिन के रूटीन जो स्टार्ट, मेल कुछ जवाब देना है, कुछ इंटरव्यूज हो जाते हैं, फिर लंच के बाद 1-2 घंटा रेस्ट, उसके बाद शाम लगते ही 5-6 बजे वर्कआउट, फिर शाम को फिर वही
ऑनलाइन इंटरव्यूज, इंस्टा पे, कभी किसी टीवी का, कभी किसी चीज का, तो ये रूटीन रहता है। रात को 12-1 बजे तक ये चलता रहता है बस। जी जी। तो पर क्या क्या, कितने गाने लिख चुके हैं, कितने गाने अभी प्रोसेस में आने वाले हैं भैया? अभी तो एक गाना ऑलरेडी हमने जो यूट्यूब चैनल पे डाला है, हौसला ना छड़ी दिन फेर मुड़ानगे। सो अच्छा सुनना है भाजी जानो से, अब तो वर्चुअली सुना करेंगे भाजी। रुत्ता ए उदास यारा सदा नहीं ओ रहनिया, बदली है रुत पावे सुकिया नी टहनिया, बदली है रुत पावे सुकिया नी टहनिया, खिड़ पैने पत्ते फुल फल लग जानगे, हौसला ना छड़ी, हौसला ना छड़ी दिन फिर मुड़े आनगे, हौसला ना छड़ी दिन फिर ओही आनगे, हौसला ना छड़ी। बिल्कुल जी, बहुत वधिया, बहुत वधिया। दिस इज अ रियलिटी पाजी, हौसला ना छड़ी दिन फिर ओही मुड़े आनगे। पाजी तो दिन ओले दिन आज सब तो ज्यादा की मिस कर रहे हो इस टाइम, व्हाट आर यू मिसिंग द मोस्ट? कि हां भैया मैं ए चीज से बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूं। ऑफ कोर्स शोज मिस कर रहे हैं, मैं अपना जिम मिस कर रहे हैं, क्योंकि जिम जाता सी मैं, 2-2.5 घंटे जिम लांदा सीगा, वो मिस कर रहे हैं। मैं अपने फ्रेंड सर्कल नु मिस कर रहे हैं, यारां दोस्तां नाल शाम नु बैठना, महफिल लगानी, सुनन वाले दोस्त हुंदे जदों तो तुहाडी जिंदगी दा एक अलग स्टाइल लाइफस्टाइल हुंदा है। फिल्म देखण जाने हैं या फैमिली दे नाल कदे डिनर जाने हैं, सो ये चीज़ां बेसिकली वी आर मिसिंग लग्जरी। पर मैं फिर कहना है कि जिहड़ा एडा वड्डा स्टैप है ये उन्हां लई बहुत मुश्किल है जिहड़े बेचारे सुबह उठ के सोचते सन कि अज रोटी कमाउणी है, शाम नू बच्चों नू खवाउणी है। सो मालक नू अरदास, मैं अपने करके कदे नहीं करदा कि जी खुले जी असी पार्टी करिए, असी शो करिए, असी ना, मैं कहना जल्दी लॉकडाउन खुले उन्हां लोगों वास्ते जिन्हां की रोजी रोटी का जरिया उन्हां दी रोज़मर्रा की जिंदगी है। सो साडा तां असी तां लग्जरी लाइफ जीने आपां लोग, सो आपां तां बर्दाश्त कर सकते हैं लॉकडाउन 5 दिन 10 दिन महीना 2 महीने, लेकिन उन्हां दे बारे बेचारियां बारे सोचदा मैं अरदास करदा जल्दी सब कुछ ठीक होए और उन्हां दी लाइफ नॉर्मल होए, तां ही सानू सुकून देगी हर चीज। अरे सुपर पाजी, सो यू आर चैटिंग राइट नाउ विद मोबाइल फोन और लैपटॉप? लैपटॉप पे। अच्छा लैपटॉप पे हो, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू शो माई ऑडियंस की भैया तुम कितने रह रहे हो इस टाइम, एंबियंस दिखा सकते हो कुछ मोड़ के तुम्हारे रूम का? यस यस यस, ये मेरा समान हले मैं जो मुंबई मूव किया तो समान हले खोलिया ही नहीं मैं, ये देखो साडा कंपनी काम कर रही है बैठी, वीडियोज देख रहे ने, ये मेरा रूम है ना, सो अरे अरे वेरी गुड, सुपर सुपर। तो ये थोड़ी सी इंटरेक्शन थी परी, मैंने सोचा आपको डिस्टर्ब कर दूं, और आपने भी बड़ा सपोर्टिंग भी बोला, आ जाओ यार वेब पे। इनफैक्ट मैं सबको बताना चाहूंगा, मैंने पारी को, पारी ने मेरे को टाइम दिया था 1:15 का, और 1:15 से पहले 1:13 में पारी का मैसेज आ गया, भाई आप रेडी नहीं हुए, और मैं 10 से 15 मिनट मैं थोड़ा सा लेट हो गया बिकॉज नेट नहीं कनेक्ट कर रहा था। पारी आपका टाइमिंग क्या है यार, मतलब आप टाइमिंग बहुत पंचुअल हो यार, बाकी स्टार्ट को करो ना, कई बार क्या होता है आधा घंटा पूरा, अच्छा बच गए डेढ़, लेकिन आप खुद ही पूछ रहे हो तो दैट इज वेरी गुड पारी। बेसिकली मैं ये मानता हूँ कि लाइफ में वक्त की खूबसूरती ये रुकता नहीं है, टाइम की कदर जो है होनी चाहिए, मैं पसंद करता हूँ टाइम के हिसाब से चलना, मुझे अच्छा लगता है। आपकी बात बिल्कुल सही लगी मेरे को, उस टाइम की वैल्यू पता लगेगी पाजी। एनीवेज जाते जाते पाजी ज्यादा टाइम नहीं दूंगा आपका, बिकॉज यू हैव अदर इंटरव्यूज ऑल्सो एंड यू हैव सो मेनी क्रिएटिव थिंग्स टू डू राइट। सो जाते जाते इंडिया बोले लॉकडाउन और बजूका वर्ल्ड का ये एक्सपीरियंस है कैसा जा रहा है, और एनीथिंग यू वांट टू से टू आवर ऑडियंस? आपने शुरू से ही बहुत एक्टिव रहे हो, बहुत पॉजिटिव रहे हो, बहुत क्रिएटिव रहे हो, और आप लोगों से डायरेक्ट आपको मिलने का मौका मिलता है। हम लोग जब सिंगर समटाइम हम लोग स्टेज पे होते हैं, हम लोगों की बात नहीं समझ पाते, लेकिन आप 1-to-1 लोगों से मिलते हो। मैं बड़े सारे इंटरव्यूज देखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि लोगों की एक्चुअल भावना आपको पता चलती है, चाहे वो इलेक्शन का टाइम हो, चाहे वो किसी भी दौर का, जैसे अब लॉकडाउन में भी आप लोगों से एक किस्म का ये 1-to-1 ही है, पूछ रहे हो क्या हालात है बेसिकली आप। मैं ये मानता हूँ कि ह्यूमन बीइंग की माइंड की स्टडी आप ज्यादा करते हो, हमारे पास ऑडियंस होती है, हमारे पास 1-to-1 नहीं होते लोग। सो मुझे अच्छा लगता है आप जैसे क्रिएटिव लोगों से बात करना और कुछ नई बातें सीखना। तो ये लॉकडाउन का टाइम सबको सिखा के जाएगा, हमें बड़ी सारी चीजें दे के जाएगा, इसको इस दौर को भूलना नहीं है लाइफ में, कि जो हमारे दोस्त हैं
अब वही दोस्त हैं जो हमें फोन करके पूछते हैं कि कैसे हो, ठीक हो, जो एक दो तीन चार या पांच होंगे, जो हमारे फेसबुक पे या इंस्टा पे जो लाखों लोग हैं उनमें से उनको मतलब सिर्फ गानों से है कि आप गाने कितने सुनाते हो। इसका मतलब आपके लाइफ में जो दो चार लोग हैं उनको संजो के रखिए, उनको प्यार करिए, वक्त पे उनपे उनके साथ खड़े हो जाइए, यही बस जीवन सिखा के जाएगा ये वाला। थैंक यू पाजी, थैंक्स अ लॉट फॉर योर प्रीशियस टाइम, लव यू मेरी तरफ से, और जितनी ऑडियंस देखेगी, एक देखे, दो देखे, 50 देखे, 100 देखे, बड़ी अच्छी लाइन लगी आपकी पाजी, अप्रिशिएट योर एफर्ट एंड अप्रिशिएट योर डेडिकेशन। थैंक यू, लव यू। थैंक यू पाजी, लव यू जी। तो ये हुई थी छोटी सी मुलाकात विद मस्ती साहब। तो भैया क्या करने का, पहले तो यार लाइक कर दो यार वीडियो को, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, उसके बाद सब्सक्राइब कर दो और देखते रहो बजूका वर्ल्ड। आज के इस ब्लॉग में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात एक और नए ब्लॉग के साथ, एक और नई हिस्से के साथ, यहाँ पर बैठे घर पे और क्या होगा, बातें मुलाकातें बहुत सारी होने वाली है। मज़ा आ रहा है यार, लॉकडाउन में भी कुछ कर रहे हैं और यहाँ पर बैठे बैठे बातें की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर हम बाहर तो जा नहीं सकते कि बाहर जाके आपको लोगों से मिलाया जाए, टूरिस्ट प्लेसेस दिखाई जाए या कुछ और दिखाया जाए, तो यहीं पर बैठ के जो जो होगा वो दिखाया जाएगा और अच्छे से दिखाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात जी एक और नए ब्लॉग के साथ। तो और यही कहना चाहूँगा जी, कीप स्माइलिंग एट इट्स ऑल अबाउट जूका बजूका। बाय बाय।